थारकागंज के बालूगंज स्थित स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, भीषण आग से मची अफरा तफरी, बच गया परिवार, आग से भारी नुकसान। सबसे पहले आप आसमान को छूते धुएं के गुबार और आग की लपटों को देखिए। धुएं का गुबार और आग की लपटों को देखकर खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी। थाना रकाबगंज बालूगंज स्थित आईजी निवास के नज़दीक स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में ऐसी आग लगी जिसने अफरा तफरी मचा दी। आग सुबह 7:30 बजे के आसपास लगी थी। ऐसा बताया गया है कि बिजली की मोटर से शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दमकल की गाड़ियां दनदनाती हुई मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मी आग को काबू करने में जुट गए। स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लगी थी। स्पेयर पार्ट्स का गोदाम दालचंद का है। जिस गोदाम में आग लगी उस गोदाम के एक हिस्से में परिवार के लोग रहते हैं। आनंद फानंद में दमकल कर्मियों ने सबसे पहले मकान में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पता नहीं भाई साहब, मैं तो 7:30 बजे नहाने निकला हूँ। जब मुझे बताया धुआं निकला है, जब मुझे बताया गया आग लगी, पता नहीं भाई साहब मुझे शॉर्ट सर्किट से लगी है। शॉर्ट सर्किट लग सकती है और कैसे लगेगी? अंदाज तो आ जाएगा, अंदर बताएगा बाजार का जेनवर माल था। फिर भी मोटा मान मेरे को क्या अंदाजा नहीं बता सकते। हाँ चार से बहुत नुकसान है। ऊपर गोदाम था, नीचे गोदाम था, नीचे दुकान की बीच में रहते थे। क्या था गोदाम में? स्पेयर पार्ट का सामान था भाई। स्पेयर पार्ट का ऊपर स्पेयर पार्ट का गोदाम था, नीचे स्पेयर पार्ट की दुकानें थी। बजाज कंपनी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट बेचे जाते थे, लेकिन सभी आग की भेंट चढ़ गए। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एक के बाद एक कई गाड़ियां आती रहीं जाती रहीं। करीब 25 टेंडर पानी आग को बुझाने में लगा। देखिए, एक सूचना मिली थी कि बालूगंज में एक दुकान में आग है, तो एक फायर टेंडर भेजा गया, तत्काल दूसरा भेजा गया। सूचना प्राप्त हुई कि फर्स्ट फ्लोर पे परिवार रहता है, तो फायर सर्विस के उन्होंने सबसे पहले उन्हें बाहर किया, उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। तो आग बुझाना आग कंट्रोल में है, पर चूंकि टेरेस पे जो इन्होंने बना रखा है उसमें पार्टीशन है, वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए आग बुझाने में दिक्कत काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। देखिए, पानी की संपूर्ति के लिए उसके सावधानी पूर्वक सारी गाड़ियाँ बुला ली गई, जिससे पानी भरने में विलंब ना हो और जल्दी जल्दी आगे रेस्क्यू भी था। रेस्क्यू में बताया गया था कि परिवार इनका ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, जिसे सबसे पहले फायर सर्विस की यूनिट ने उन्हें बाहर करवाया, तत्पश्चात अग्निशमन का कार्य। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की दुकान और मकान भी चपेट में आने से बच गए। कई दुकानों को खाली कर दिया गया। मकानों में रह रहे लोग घर से बाहर निकल आए। घरों में रखे गैस सिलेंडरों को बाहर निकाल दिया गया। आसपास की दुकान वालों को भी नुकसान हुआ है। आग ऑयल है, प्लास्टिक है, कबाड़ा भरा हुआ है, सर्किट हो गया उसमें, उसमें ऐसा माल भरा हुआ है कि प्लास्टिक ज़्यादा है। अभी भीषण आग लगी है। अभी सड़क है, मेरी भी दुकान बगल में बच गई। आपकी मेरी दुकान में नुकसान तो हुआ, तो थोड़ा बहुत नुकसान निकालने में, माल टूटा फूटा हुआ है। दुकान खाली कर दी, खाली एक साइड की कर दी है। की दुकान ऑटो पार्ट्स इसमें
कबाड़ा ज्यादा भरा हुआ था, ऑयल भी भरा हुआ था। मामूली सी आग ने जो तांडव मचाया उसको देखकर सभी के होश उड़े हुए थे। दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे थे, अधिकारी भी खुद जुटे हुए थे। जिस तरीके से आग लगी उसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। थाना रखावगंज बालूगंज स्थित स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की तमाम सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची, आप खुद देख सकते हैं, तमाम सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और दमकल कर्मी खासी मशक्कत करते रहे। जो गोदाम है स्पेयर पार्ट्स का जो गोदाम है वो दुकानों के ठीक ऊपर है, इसके चलते खासी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ी। ऐसा बताया गया है कि लाखों रुपए का नुकसान आग के चलते हो गया है। आसपास की जो दुकानें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, आसपास के जो मकान हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि जनहानि होने से बच गई, समय रहते लोग बाहर निकल आए। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी थी, सभी लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे, घरों के अंदर रखे सिलेंडरों को भी बाहर निकाल दिया गया था। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।